Hi guys, good afternoon. Hi Shivangi, hi Raj, hi Ayush, hi Sangmitra, hi Shivangi, hi Sayam. Okay, hi Rishi, how are you? Hi Anjali, how are you? So we are going to be starting with our class today on, good afternoon, hi Mansi, how are you? So we are going to be starting our class today on abetment under criminal law. So it's a very important topic and we are going to be discussing this as well. So I hope you aap sab log bahut acche hain. Main bahut acchi hu guys, thank you for asking. Mera naam Kriti Bhatnagar hai, maine apna BLLB NIU Bhopal se kiya hai, Masters apna JNU Gujarat se kiya hai. I have also cleared DC NET and my CLAT near rank was C39 when I gave CLAT in 2014. I'm good Sayam, thank you for asking. Hi Shinjal, how are you? Hi Mimansa, how are you? Anjali, I'm good, thank you for asking. Hi Shivangi. So okay, अच्छा also पिछली क्लास का क्रिमिनल ट्रेसवास बचा हुआ था तो मैं दो मिनट लूंगी. I'll just explain the concept of criminal trespass to all of you and then we can move forward to the new topic that is abetment. ठीक है. So criminal trespass क्या होता है guys? Criminal trespass का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर आप एंटर करते हो, अगर आप किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एंटर करते हो विद द इंटेंशन, किस इंटेंशन के साथ एंटर करते हो, सामने वाले को डराने के लिए, इंसल्ट करने के लिए या फिर उसे परेशान करने के लिए जिसकी वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, मतलब जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में, पोजेशन मतलब जो रेंट पे है वो पर्सन भी हो सकता है, अगर आप उसको भी परेशान कर रहे हो तो ही कैन ऑल्सो फाइल अ केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास अगेंस्ट यू. सो व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेसपास? किसी की प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा घर है, अगर मेरे घर पर कोई एक्स नाम का इंसान आता है और मेरी प्रॉपर्टी पर खड़ा हो जाता है मुझे इनॉय करने के लिए या मुझे डराने के लिए या मुझे इंसल्ट करने के लिए, तो उस केस में वो किस चीज़ के लिए लाइबल होगा? ही विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास. फॉर एग्जाम्पल एक चोर है, देर इज अ पर्टिकुलर चोर हु कम्स टू एक्स हाउस, वो एक्स के घर में घुस जाता है और वो कुछ चुरा नहीं पाता, वो भाग जाता है वहां से, तो ऑब्वियस ही बात है. लेकिन उसके अगर वो भाग भी गया, चोरी नहीं भी कर पाया, तो उसकी वजह से डर तो लगा ही होगा जिसके भी घर में घुसा वो, या उसे इंसल्ट किया होगा या उसे अनॉय तो किया ही होगा. तो जिस पर्सन के घर में वो चोर घुसा था, ही कैन फाइल अ केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास अगेंस्ट द चोर. वो उस चोर के अगेंस्ट किस चीज का केस कर सकता है? क्रिमिनल ट्रेसपास का कर सकता है. ठीक है. सो हाय अलीना, हाउ आर यू? हाय श्वेता, आई एम वेरी वेरी गुड, हाउ आर यू गाइस? सो अगर आप किसी भी पर्सन के लैंड पे घुस जाते हो या फिर अगर आप लॉफुली भी घुसते हो लेकिन अनलॉफुली फिर वहाँ पे रहने लग जाते हो. फॉर एग्जांपल एक पोस्टमैन है, देर इज अ पोस्टमैन जो एक क्या कहते हैं चिट्ठी देने आया था एक्स के घर पे. ही केम टू एक्सेस हाउस टू डिलीवर अ पर्टिकुलर लेटर. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जब वो एंटर कर जाता है और वो लेटर डिलीवर कर देता है, फिर वो देखता है कि यार वाओ इतना बड़ा घर है, वाओ बहुत ही अमेजिंग, मैं तो यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहीं बैठने वाला हूँ. वो वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि आप लोगों ने मेरा पैसा कमा रखा है, आपने मेरा सारा पैसा ले रखा है, हम गरीब लोगों को आपकी वजह से पैसा नहीं मिलता, और वो वहीं पे बैठ जाता है. He sits down at that particular person's house. तो is he committing criminal trespass? क्या वो criminal trespass commit कर रहा है? Hi Aditya, I'm very good. How are you? क्या हुआ आज आप लोग क्लास कोई अटेंड नहीं कर रहे हैं? आज बहुत कम लोग हैं क्लास में. इज दैट क्रिमिनल trespass? कोई आपके घर में घुस गया है, लॉफुली घुसा था लेकिन बाद में वो वहां पे बैठ गया है. हाय डार्क, हाउ आर यू? अच्छा ओके. हाय सानिया, सानिया अच्छा सॉरी, आई वाज लाइक ओके, मैं बहुत अच्छी हूँ सानिया, आप कैसे हो? सो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रिमिनल ट्रेसपास. ये क्रिमिनल ट्रेसपास ही होगा क्योंकि वो उसके लैंड पे बैठ गया है. ऑब्वियसली क्रिमिनल ट्रेसपास होगा. आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि नहीं होगा क्रिमिनल ट्रेसपास? गाइज आपके घर में कोई आके बाहर बैठ जाएगा तो वो आपको अनॉय नहीं करेगा? विल इट नॉट अनॉय यू? आपको अनॉय नहीं करेगा क्या कोई आपके घर के बाहर आके बैठ जाएगा? हाई कृतिका, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी गुड. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी क्रिमिनल ट्रेसपास. सो क्रिमिनल ट्रेसपास कैन हैपन बाय टू वेज. दो तरीके से आपका क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है. सब सुस्ता रहे हैं, ये भी ठीक बात है. सो क्रिमिनल ट्रेसपास दो तरीके से हो सकता है. एक है कि आपके घर में कोई एंटर कर जाए, समबडी एंटर्स इन योर प्रॉपर्टी. सिर्फ घर ही नहीं, प्रॉपर्टी पे भी कोई एंटर कर जाए और आप उस घर में रह रहे हो, उसके पोजेशन में हो, उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में हो, और वो बंदा वहां से जाए नहीं, आपको अनॉय करे, आपको डराए, आपको इंसल्ट करे, यू कैन फाइल अ केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास अगेंस्ट हिम. सेकेंडली अगर कोई पर्सन है जो क्या कहते हैं आपके घर में लॉफुली घुसता है, आपका एक फ्रेंड है, आप उसे बोल रहे हो कि चल अब तू मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, निकल जा, तो ऑब्वियसली अगर उसके बाद भी वो रहता है आपके घर में तो ही विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास. तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लाइबल होगा. अच्छा चलो मुझे एक क्वेश्चन आंसर करो, आंसर मी समथिंग. हाय हाय सनम, हाउ आर यू? आप लोग अपना ही हेलो हेलो क्यों शुरू कर दिया भाई?
नो ट्रेसवास में, अरे भाई ऐसा नहीं होता है डार्क, ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जो इस घर में रेंट पे रहता है, ठीक है, ये इस घर में रेंट पे रहता है, इसके घर में एक चोर घुस जाता है और वो कुछ चोरी नहीं कर पाता, वो भाग जाता है। इसी का नेबर जो है वो इस घर का मालिक है, मतलब जो रेंट पे रह रहा है उसका जो उस घर का जो मालिक है वो उसी के साइड वाले घर में ही रहता है। तो ट्रेसपास का केस कौन करेगा, मालिक करेगा या रेंट पे जो रह रहा है इंसान वो करेगा? हु विल फाइल अ केस ऑन ऑन क्या कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास? सॉरी सॉरी सान्या, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। हाय प्रियम, हाउ आर यू? हाय विश्वेंद्र, मैं अभी एक्सप्लेन किया था गाइस, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, लेकिन हम सब भूल जाते हैं, वी फॉरगेट एवरीथिंग। आप क्या बोलती रहती है मैम, हम बस हम का ही सुनते हैं आपकी बातों को। ऑब्वियसली जो रेंट पे रह रहा है वो केस करेगा। पोजेशन किसके पास है, मैंने आपको बताया ना, क्रिमिनल ट्रेसपास इज अ क्राइम अगेंस्ट पोजेशन, पोजेशन के अगेंस्ट है क्राइम क्रिमिनल ट्रेसपास। तो पोजेशन तो रेंट पे जो रह रहा है इंसान वो है ना, द पर्सन हु इज लिविंग ऑन रेंट इज हैज द पोजेशन ऑफ द हाउस, ओनर तो दूसरे घर में रह रहा है, इवन तो वो ओनर है लेकिन पोजेशन उसके पास नहीं है। यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है यू नीड पोजेशन ऑफ द हाउस, जब तक आपके पास पोजेशन नहीं होगा उस प्रॉपर्टी का तब तक आप क्रिमिनल ट्रेसपास का केस नहीं कर सकते। तो यू नीड टू हैव अ पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देन यू कैन फाइल अ केस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक से शुरू करते हैं, विच इज गोइंग टू बी अबेटमेंट। सो वॉट इज अबेटमेंट गाइज? अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को भी एड करना, हेल्प करना, असिस्ट करना, उसको मतलब हेल्प प्रोवाइड करना या फिर एड प्रोवाइड करना, कमांड करना, प्रोक्योर करना, कुछ सामान लेके आना, काउंसिल करना, बोलना कि कोई क्राइम कमिट कर दो, काउंटेनेंस टू एनकरेज और एनकरेज और टू सेट अनदर वन टू कमिट। आप अगर किसी भी तरीके से किसी अनदर पर्सन को क्राइम करने के लिए उकसाते हो, अगर आप किसी और पर्सन को क्राइम करने के लिए उकसाते हो, देन यू आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट, आप अबेटमेंट के लिए लायबल होते हो ना। व्हाई डज अबेटमेंट एग्जिस्ट, अबेटमेंट एग्जिस्ट क्यों करता है गाइज? आप एक बात सोचो, फॉर एग्जाम्पल भाई शिवांगी है, ठीक है, शिवांगी है, शिवांगी जाके सान्या से बोलती है कि सान्या तू एक काम कर कि तू कृतिका का मर्डर कर दे, ठीक है। शिवांगी गोज टू सान्या एंड सेज दैट तू यार कृतिका तो बड़ी खराब सी इंसान है, तू कैसे उसके साथ रह सकती है, वो तो तेरे बारे में बहुत बुराई करती है, वो बड़ी बुरी सी इंसान है, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना। और फिर शिवांगी सान्या से बोलती है कि मैं तुझे चाकू वाकू भी ला के दूंगी, तू चिंता ना कर यार, मैं तेरे लिए हमेशा हूँ, मैं तेरी सच्ची दोस्त हूँ। और सान्या को बोलती है कि लेकिन तुझे तो कृतिका का मर्डर कर देना चाहिए, यू शुड जस्ट किल कृतिका, कृतिका मतलब कृतिका नहीं, कृतिका बाय बाय टाटा, ठीक है। तो सान्या बोलती है कि यार अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में, ये वो वगैरह वगैरह, एंड सान्या थिंक्स अबाउट इट, एंड देन शिवांगी उसे रोज कॉल करके यही सब सुनाती रहती है, बताती रहती है। तो सान्या को एक दिन लगता है कि यार सही ही कह रही होगी शिवांगी, और सान्या क्या करती है, जाके कृतिका का मर्डर कर देती है। तो अच्छा अब सान्या किस चीज के लिए लायबल है, व्हाट इज सान्या लायबल फॉर? अच्छा अच्छा सही बात है, वॉट इज सान्या लाइबल फॉर? सान्या इज लाइबल फॉर मर्डर, एब्सोल्यूटली करेक्ट। लेकिन शिवांगी किस चीज के लिए लाइबल होगी भाई? शिवांगी ने खुद तो कोई एक्ट नहीं किया, शिवांगी डिड नॉट डू एनी पर्टिकुलर एक्ट बाय हरसेल्फ, उसने तो अपना सारा काम क्या है सान्या से करा लिया। एक्चुअली यहाँ पे तो इसको खराब लग रहा था सान्या, मतलब शिवांगी को कृतिका पसंद नहीं थी, पर यहाँ तो उसने सान्या को फंसा दिया और वो भगली। सो ऑब्वियसली बात है कि वी ऑल्सो नीड टू फिक्स द लाइबिलिटी ऑफ शिवांगी, हमें शिवांगी की लाइबिलिटी फिक्स करने की भी जरूरत है कि भाई शिवांगी किस चीज के लिए लायबल होगी अगर सान्या कृतिका को मार देती है, नहीं मार देती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो शिवांगी ने ये उकसाया है मर्डर करने के लिए उकसाया है, सो व्हाट इज शिवांगी गोइंग टू बी लायबल फॉर? सो टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों की लायबिलिटी फिक्स करने के लिए जो हेल्प करते हैं या जो इंस्टिगेट करते हैं या जो कोई क्राइम कमिट करने में काउंसिल करते हैं, एनकरेज करते हैं किसी और को क्राइम करने के लिए, पीपल हु एनकरेज अदर्स टू कमिट क्राइम, उनकी क्या लायबिलिटी होनी चाहिए? फॉर दैट वी हैव द सेक्शन नोन एज अबेटमेंट, उसके लिए हमारे पास अबेटमेंट नाम का एक सेक्शन होता है। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट गाइज? अबेटमेंट का मीनिंग होता है जहाँ पे आप एनकरेज करते हो सामने वाले पर्सन को कोई क्राइम कमिट करने के लिए, या फिर हेल्प करते हो या फिर उसे असिस्ट करते हो कोई ना कोई क्राइम कमिट करने के लिए, ठीक है। सो अबेटमेंट भी टाइप्स होते हैं, अबेटमेंट में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स, आई विल एक्सप्लेन कौन से होते हैं, बट आई होप आपको जस्ट समझ में आ गया, यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अबेटमेंट।
डॉक्यूमेंट सो दैट वी कैन क्या कहते हैं वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सेक्शन इज गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है. सो नाउ जो अबेटमेंट की डेफिनेशन है वो तभी होती है व्हेन एटलीस्ट टू पर्संस आर इन्वॉल्व. सो अबेटमेंट में हाउ मेनी पीपल डू वी नीड. वी नीड एटलीस्ट टू पीपल. व्हाई डू वी नीड टू पीपल. एक पर्सन होगा जो सामने वाले को अबेट करेगा और दूसरा वाला पर्सन होगा जो अबेट होगा. सो ऑब्वियसली इन अबेटमेंट यू नीड टू पीपल. वन हु इज अबेटिंग एंड द अदर पर्सन हु इज गोइंग टू बी अबेटेड. ठीक है. और उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं एक्ट करने की कोशिश करता है या नहीं करता है सामने वाला पर्सन, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अबेटमेंट जो है एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है. एक ऐसा ऑफेंस है जहां पे कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट कंसिडर्ड. इट डज नॉट मैटर कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. इट डज नॉट मैटर इफ द ऑफेंस इज कमिटेड और नॉट कमिटेड. आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस गाइज. अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो मैं ये सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ. थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुझे पढ़ाने दीजिए. ठीक है. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल भाई शिवांगी ने सान्या से बोला, शिवांगी ने सान्या से बोला कि जाके कृतिका का मर्डर कर दे. गो एंड मर्डर कृतिका. ठीक है. सान्या थोड़ा सा सोचने भी लग गई है वो वगैरह वगैरह. फिर शिवांगी से रोज कॉल करने लग गई. शिवांगी उसको बोलने लगे कि अरे मेरे को मर्डर करना है, तेरे को मर्डर करना है, तुझे मर्डर कर देना चाहिए भाई, बहुत लेट मत कर. अरे अरे कृतिका का ऑफर चला रहेगा मरने का, उसको मार दे, ये वो वगैरह वगैरह. फिर सान्या एक दिन बहुत ज्यादा चिड़ जाती है और सान्या शिवांगी को बोलती है यार तू चुप कर यार, मेरे को किसी का मर्डर वर्डर नहीं करना और निकल यहाँ से. अब नाउ इन दिस केस इवन दो कृतिका का मर्डर कमिट नहीं हुआ, इवन दो सान्या ने मर्डर कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, शिवांगी इज स्टिल गोइंग टू बी लाइबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर. ठीक है. सो अबेटमेंट में हमेशा याद रखना कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट नेसेसरी. कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट नेसेसरी. इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं कमिट हुआ है. ऑफेंस कमिट नहीं भी हुआ लेकिन अगर आपने सामने वाले पर्सन को भड़काया किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए तो आपने तो अबेटमेंट कर दिया है ना. देखो यू आर नॉट बींग, ये जो शिवांगी है शिवांगी मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रही है. शिवांगी इज नॉट बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर. शिवांगी इज बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर. तो उसने अबेट तो किया है ना कि हाँ तू जाके मर्डर कर. उसने इंस्टिगेट तो किया है ना, उसने एनकरेज तो किया है ना मर्डर करने के लिए. मेरा आंसर करो, हैज शिवांगी इंस्टिगेटेड, हैज शिवांगी एनकरेज्ड सान्या टू कमिट मर्डर? हाँ, ए लायबल होगा शिवम, ए विल बी लायबल. ठीक है. यस, शिवांगी हैज अबेटेड क्या कहते हैं सान्या टू कमिट मर्डर. सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस शिवांगी इज गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर. सान्या कमिट्स मर्डर और नॉट वो अलग बात है. सान्या अगर मर्डर कमिट कर देती है तो ऑब्वियसली सान्या मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. सान्या अगर मर्डर कमिट नहीं करती है तो सान्या किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. बट इफ शिवांगी हैज एनकरेज द अदर पर्सन, इफ एनी पर्सन हैज एनकरेज द अदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, इट डजेंट मैटर द पर्सन कमिट्स क्राइम और नॉट, बट द पर्सन who has instigated will be responsible for abetting that particular crime. आप crime abetment के लिए liable होगे. ठीक है. चलो now for यहाँ पे हम कुछ questions कर लेते हैं. एक bar का जो owner है, there is an owner of a bar, और एक law है कि आपको 10 बजे के बाद सारे के सारे pub और bars बंद कर देने हैं. After 10 pm you have to close all pubs and bars. वो क्या करता है, वो अपने कस्टमर्स को बाहर नहीं निकालता 11 बजे भी. एट 11 pm also he does not ask the customers to leave. सो इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट? क्या वो अबेटमेंट के लिए लायबल है इस ऑफेंस के कि 10 बजे के बाद आप क्या कहते हैं बार्स खुले नहीं रख सकते? हाय अवंतिका, हाउ आर यू? अरे ये क्यों आप लोग इस पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? क्या यहाँ पे कोई क्राइम है और उसको फैसिलिटेट कर रहा है कोई बंदा? क्या कोई बंदा किसी क्राइम को फैसिलिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे? भाई तुम किसी बार के ओनर हो, तुम्हें पता है 10 बजे बार बंद करना है, तुम 11 बजे भी लोगों को बाहर नहीं भगा रहे, तो तुम फैसिलिटेट नहीं कर रहे क्या क्राइम को? आर यू नॉट फैसिलिटेटिंग द क्राइम? इट इज अ क्राइम टू ओपन द बार आफ्टर 10 PM. यू आर द ओनर भाई. तुम्हारे घर में कोई इंसान आता है तो तुमको उसको बोलना होता है ना कि 12 बज गए, 1 बज गए भाई, अब तेरे को घर जाना चाहिए, सही सलामत पहुंच जाइयो. तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एक बार के ओनर हो तो आपको लॉ तो पता ही होगा ना. यू शुड नो द लॉ. ये आई डू नॉट नो द लॉ करके एक्सक्यूज नहीं कर सकते. यू शुड नो द लॉ कि 10 बजे आपको बार बंद करना है. तो मतलब जिनको अपने ऐसे होटल्स या लॉकडाउन जब लगा था, व्हेन द लॉकडाउन वॉज देयर,
पार्शियल लॉकडाउन लगा था कि 8 PM के बाद यू कैन नॉट ओपन एनी रेस्टोरेंट, आप कोई भी रेस्टोरेंट 8 बजे के बाद नहीं खोल सकते, तो क्या रेस्टोरेंट ओनर आपको 7:30 नहीं बोलने लगते थे कि सर अब हमें क्लोज करना है तो प्लीज आप जाइए, आप प्लीज जाइए, हमें 8 बजे तक क्लोज करना है? बताओ मुझे, बोलने लग गए थे ना? तो अगर वो 8 बजे तक बंद नहीं करते, इफ दे हैड नॉट क्लोज दैट बार दैट रेस्टोरेंट बाय 8 PM, वुड दे नॉट बी लायबल? क्या वो लायबल नहीं होते? क्या वो फैसिलिटेट नहीं करते ये क्राइम कमिट करने के लिए? करते ना, ऑब्वियसली करते, यस। सो देयरफॉर दिस इज अबेटमेंट, दिस इज अबेटमेंट कि भाई एक पब का ओनर है, उसको पता है कि उसको 10 बजे बंद करना है, वो 11 बजे तक अपने कस्टमर्स को जाने को नहीं बोल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक क्राइम को फैसिलिटेट कर रहा है। व्हाट इज द क्राइम? टू ओपन पब आफ्टर 10 PM, दैट इज अ क्राइम। सो इफ ही इज डूइंग दैट, ही इज फैसिलिटेटिंग द क्राइम, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम। वो उस क्राइम के लिए लायबल होगा, अबेटमेंट के लिए लायबल होगा उस क्राइम के। चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर करो। एक बच्ची है, एक मदर है, वो अपनी बच्ची को, गर्ल को क्या कहते हैं, पॉइजन दे देती है और उस बच्ची को नहीं पता, मतलब पानी में मिक्स करके पॉइजन दे देती है और बोल देती है ये जाओ पापा को पिलाया हो, गो एंड गिव इट टू योर फादर। और फादर जो है, और बच्ची को नहीं पता है कि उसमें पॉइजन है, वो फादर जो है वो पॉइजन पी लेते हैं और वो मर जाते हैं, तो क्या यहाँ पे अबेटमेंट हुआ है? हैज़ द मदर अबेटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर? क्या मदर ने ऑफेंस ऑफ मर्डर अबेट किया है? अरे भाई शिवांगी कृष्णा, आप व्हाट्सएप पे खेल लीजिए बेटा। शिवांगी कृष्णा नहीं, शिवांगी संयम। हाय अवंतिका, हाउ आर यू? अरे नहीं नहीं तू नहीं कृष्णा, सॉरी। हाँ, सो यहाँ पे इज द मदर लायबल फॉर अबेटमेंट टू ऑफेंस? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, मदर इज गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट। अरे वाई नो भाई सान्या, वाई नो? ऑफकोर्स द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबेटमेंट टू ऑफेंस ना, उसने अपनी बच्ची को भाई पॉइजन दे दिया है। भाई सान्या, दिस इज द सेम एग्जाम्पल कि ए ने बी से बोला कि सी का मर्डर कर दे, तो ए ने इंस्टिगेट किया ना, यहाँ पे भी तो मदर ने बच्ची को अपने फादर को पॉइजन देने के लिए हेल्प किया है, फैसिलिटेट किया है। मैंने तो आपको बोला था बच्ची को पता है या नहीं है, या बच्ची ने ऑफेंस किया या नहीं किया, बच्ची पॉइजन देती है नहीं देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मदर बच्ची से कोई क्रिमिनल ऑफेंस करवाना चाह रही है? हाँ करवाना चाह रही है। आप अगर सामने वाले पर्सन से कोई क्राइम करने के लिए एनकरेज करते हो तो आप अबेटमेंट के लिए लायबल होते हो, यू आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट। सो इज दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी अबेटमेंट। गाइस ये तो इजी पीजी था, दिस इज अबेटमेंट, इसमें आप लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हो गए, इतना ज्यादा मतलब इसमें क्यों गड़बड़ हो गई? चलिए मैं एक और एग्जांपल देती हूं, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक मॉम है, वो अपनी बच्ची को पॉइजन देती है कि अपने पापा को दे आओ, और बच्ची को नहीं बताती, बच्चे को बोलती है कि ये तुम्हारे फादर की एक दवाई है, मैंने पानी में मिक्स कर दिया, पापा को दे आओ। बच्ची जा रही होती है और उसके हाथ से वो पॉइजन का ग्लास गिर जाता है, मतलब वो जो पानी का ग्लास है वो गिर जाता है, तो वो बच्ची रोती हुई आती है कि मम्मी सॉरी ग्लास टूट गया, तो मम्मी बोलती है चलो कोई बात नहीं। बाद में उनकी बिल्ली पी लेती है उसको, तो पता चल जाता है कि अरे इसमें तो पॉइजन मिला हुआ था, और तो इस मदर लायबल, पुलिस जो है मदर को उठा ले जाती है, तो क्या मदर अबेटमेंट के लिए लायबल है? अभिषेक सेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन क्लैट। हाय रुद्र, हाउ आर यू? वेरी गुड, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। गुड गाइज, अब आप लोग समझ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सी चीज़ की आप लोगों ने, ये बढ़िया काम करते हो आप लोग। सो येस ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी अबेटमेंट। बच्ची क्या कहते हैं पॉइजन दे पाती है नहीं दे पाती, कुछ कर पाती नहीं कर पाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, मदर ने तो इंस्टिगेट किया, सो शी इज गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट। चलो तीसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ, आई विल गिव यू अ थर्ड एग्जाम्पल। एक मदर है, वो अपनी डॉटर को जाके बोलती है कि पापा तो बेटा बहुत ही खराब से हैं, पापा हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो हमें मारते पीटते हैं, वो हमें डांटते रहते हैं, वो हमें बिल्कुल भी मतलब अच्छे से फैमिली टाइप नहीं रखते, नौकरानी टाइप रखते हैं, मैं चाहती हूँ कि तू उनका जाके मर्डर कर दे, गो एंड किल हिम, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और कभी किसी को नहीं पता चलेगा। बच्ची बोल देती कि नहीं मम्मी मैं ये सब नहीं कर सकती, तो यहाँ पे इज मदर लायबल फॉर अबेटमेंट? कोई बात नहीं अवंतिका, बाद में देख लियो, अंजलि अभी बच्चा है बेटा। इज मदर लायबल फॉर अबेटमेंट? बेटी ने मना कर दिया कि नहीं मैं पापा को नहीं मार सकती,
वेरी गुड यस इवन देन शी इज लायबल फॉर अबेटमेंट क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया ना, उसने एनकरेज करने का तो काम कर दिया, शी हैज एनकरेज द चाइल्ड, सो ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट. तो अभी आपको थोड़ा क्लियर हुआ, अ लिटिल बिट आर यू गाइस क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेटमेंट एंड व्हाट इज द जिस्ट ऑफ अबेटमेंट? आई होप सो. हाँ उकसा रही है उसको, सही बात है, वेरी गुड ग्रेट. चलो नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ अबेटमेंट. तो अबेटमेंट कितने कितने तरीके से हो सकते हैं, इसके अलग अलग सेक्शंस हैव बीन डिफाइंड अंडर आईपीसी. आईपीसी में डिफाइन किया गया है कि बाय हाउ मेनी वेज कैन यू कमिट अबेटमेंट. तो अबेटमेंट कैन बी कमिटेड इन थ्री वेज, देर आर थ्री वेज टू कमिट अबेटमेंट. अबेटमेंट तीन तरीके से हो सकता है. वन इज इंस्टिगेशन. इंस्टिगेशन मतलब होता है उकसाना. अरे तो जैसे मैंने आपको शिवांगी और कृतिका वाला एग्जाम्पल दिया था कि अरे भाई, सैने वाला एग्जाम्पल दिया था कि अरे वो तो बहुत खराब लड़की है, अरे वो ऐसी लड़की है, अरे वो वैसा लड़का है, अरे वो ये करता है, अरे वो करते हैं, जाओ उसको मार दे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भड़काने का काम हो रहा है. ठीक है, तो इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप भड़काने के थ्रू सामने वाले को मारते उकसाते हो क्राइम कमिट करने के लिए, देन यू आर लाइबल फॉर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. आप अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए लाइबल होते हो. ठीक है, सेकेंडली अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है जहां पे आप सारे मिलके एक प्लान बनाते हो कि आप किसी पर्सन को मारोगे. यू आर प्लानिंग टू हर्ट समवन, देन यू आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. और थर्ड क्या होता है, थर्ड इज नोन एज अबेटमेंट बाय इलीगल एक्ट. आप कोई भी इलीगल काम करते हो जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की क्या कहते हैं, पर्सन के साथ कोई क्राइम कमिट हो सकता है, आप सामने वाले पर्सन को उकसाते हो क्राइम कमिट करने के लिए, देन यू आर लायबल फॉर अबेटमेंट बाय इलीगल एक्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल दीज थ्री. आपको बस पता होना चाहिए कि ये तीन तरीके हैं जिससे अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस यू कैन बी लायबल फॉर. ठीक है, रुद्र अभी टाइम है बेटा. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, अबेटमेंट अंडर आईपीसी, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. सो पहले अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन पढ़ लेते हैं. So, देखो, there are two ways to motivate someone. आप दो तरीके से इंसान को मोटिवेट कर सकते हो. या तो आप उसको कोई अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो कि अरे भाई तेरे को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तेरे को क्लैट निकालना है, तेरे को बड़ा आदमी बनना है भाई, पैसे कमाने हैं भाई, अपन को अपने मम्मी पापा को खुश करना है भाई 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 भाई. सो ऐसे आप यू कैन डू सम गुड कॉज. ठीक है, यू कैन मोटिवेट द अदर पर्सन टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ. एंड सेकेंड होता है कि आप सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करते हो कुछ बैड वर्क करने के लिए कि अरे भाई, अरे तुझे उसके घर में चोरी कर लेनी चाहिए, अच्छा रहेगा, सही रहेगा, तेरे पास वैसे ही पैसे आ जाएंगे, कहाँ तू लॉ वॉ के चक्कर में पड़ रहा है भाई, इजी पैसा कमा, तू तो चोरी कर, चोरी में इतना पैसा है तुझे नहीं पता, थिंग्स लाइक दैट. सो देर आर टू वेज टू मोटिवेट अ पर्सन. यू इधर मोटिवेट देम विद योर गुड वर्क और यू मोटिवेट देम थ्रू योर बैड वर्क. ठीक है, सो नाउ वॉट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट दैट इफ यू मोटिवेट द पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, अगर आप इंस्टिगेट करते हो, मोटिवेट इज इंस्टिगेट ओनली, अगर आप सामने वाले पर्सन को ऑफेंस कमिट करने के लिए मोटिवेट करते हो, देन यू आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. ठीक है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, आप लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं दूसरे के बारे में, बुरा कहना, आप दूसरे को बोलना कि आप ऑफेंस कमिट करें. ठीक है, ये नोट्स, अरे नहीं प्रियम, आई हैव टू अपलोड. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. सो फॉर एग्जांपल आई से, सो फॉर एग्जांपल ए सेज टू बी कि यार सी जो है वो करप्शन करता है, सी इज अ करप्ट ऑफिसर, मुझे लगता है कि तेरे को उसका मर्डर कर देना चाहिए, यू शुड किल हिम एंड बहुत सही रहेगा तेरे लिए. तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने इंस्टिगेट किया टू फॉर बी टू कमिट एन ऑफेंस, एंड देयर फोर ए इज गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट अंडर बाय इंस्टिगेशन. ठीक है, सो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि पर्सन जो इंस्टिगेट कर रहा है, जो अबेट करवा रहा है, जो सामने वाले पर्सन को बोल रहा है कि तू ऑफेंस कर, तू ऑफेंस कर, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन वो ऑफेंस कमिट करे, मतलब वो चाहना चाहिए. इंटेंशन क्या होता है गाइस, व्हाट इज इंटेंशन, आई हैव टोल्ड दिस टू यू, व्हाट इज इंटेंशन, क्या होता है इंटेंशन, भाई शिवम जब मैंने बोल दिया इंटेंशन ही नहीं थी तो कहाँ से लायबल होएगा, तू अलग से एडिशन के लिए लायबल हो सकता है, वो अलग चीज़ है. इंटेंशन इज विलिंगनेस, वेरी गुड. नो इट्स नॉट मोटिव, मोटिव इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड ऋषि. ठीक है,
इट्स नॉट पर्पस, पर्पस इज मोटिव. इंटेंशन मतलब होता है विलिंगनेस. इंटेंशन मीन्स विलिंगनेस दैट हाउ मच डू यू वॉन्ट टू कमिट अ क्राइम. आप कितना क्राइम कमिट करना चाहते हो, ठीक है. सो जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है सामने वाले पर्सन को प्रोवोक करने की, सामने वाले पर्सन को एनकरेज करने की टू कमिट द ऑफेंस, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइबल. सो ही मस्ट हैव इंटेंशनली डन समथिंग. उसने कुछ ना कुछ इंटेंशनली किया होना चाहिए जिसका मीनिंग इंस्टिगेशन होगा फॉर अनदर टू डू एन इलीगल एक्ट, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन को इलीगल एक्ट कमिट करेगा. नाउ अंडरस्टैंड कि सिर्फ एडवाइस देना वो हमेशा इंस्टिगेशन नहीं होता. आपने ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया अरे हाँ हाँ उसे मार देना क्या ही है अपना, जैसे अपन फ्रेंड्स में कभी कभी बात करते हैं कि अरे तो पागल तू चिंता ना कर उसको मार के आएंगे अपन, और आपका सामने वाले फ्रेंड ने उसे सीरियसली ले लिया और वो एक्चुअली किसी थर्ड पर्सन को मार आया, तो क्या आपने अबेटमेंट किया है? आर यू गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट? अरे उसकी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो अबेट कर रहा है उसकी इम्पॉर्टेंट है. नो, यू आर नॉट गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बिकॉज यू नेवर इंटेंडेड द सेम. आप कभी भी सामने वाले पर्सन को मरवाना नहीं चाहते थे, ठीक है. सो क्या कहते हैं, इंस्टिगेशन तभी होगा जब आप एक्चुअली सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हो कि वो कोई ऑफेंस कमिट कर दे, कि मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं तेरे लिए जहर ले आया हूँ, ये देखे जहर की बॉटल है, तू उसे पी क्यों नहीं लेता? अरे पी लेना जहर, पी ले पागल, तू क्या करेगा जीके, तू तो एक ब्लॉट है दुनिया के ऊपर. तो अगर यहाँ पे सामने वाला पर्सन जहर पी लेता है या नहीं भी पीता है तो क्या ये अबेटमेंट है? इज दिस अबेटमेंट? नहीं, जहर पीना तो जरूरी है, अबेटमेंट तो सुसाइड में थोड़ा जरूरी है कि सामने वाला पर्सन करे ऐसा कोई हरकत, मतलब वो पिए फिर, ठीक है. क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड अलग से डिफाइंड है इन द आईपीसी. अबेटमेंट टू सुसाइड हैज बीन डिफरेंटली डिफाइंड. अबेटमेंट के सेक्शन के अलावा अलग से अबेटमेंट टू सुसाइड डिफाइंड है, जिसमें लिखा हुआ है कि द पर्सन शुड विलिंगली डू समथिंग टू टेक हिज ओन लाइफ. तो अगर आप किसी को मतलब इंस्टिगेट करते हो कि वो अपनी जान ले ले, द पर्सन शुड टेक हिज लाइफ, तो यू आर गोइंग टू बी लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अबेटमेंट टू सुसाइड, है ना, जिसकी वजह से उस पर्सन ने सुसाइड कमिट करा. सो नाउ सो बेसिकली दैट इज हाउ यू कैन कमिट अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. नाउ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन भी दो तरीके का होता है, ठीक है. देर आर टू वेज टू कमिट योर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन. वन इज गोइंग टू बी डायरेक्ट इंस्टिगेशन. डायरेक्टली आपने जाके बोल दिया कि अरे मुझे लगता है कि तुझे ये क्राइम कमिट करना चाहिए, तू ये क्राइम कमिट करेगा तो तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी, बेटर हो जाएगी. तो आप डायरेक्टली सामने वाले पर्सन से बोल रहे हो क्राइम कमिट करने के लिए, तो आप लायबल हो फॉर अबेटमेंट बाय डायरेक्ट इंस्टिगेशन. सेकेंड होता है इंस्टिगेशन बाय लेटर. आपने लेटर के थ्रू इंस्टिगेट किया, मतलब फॉर एग्जांपल भाई मैंने थोड़ा सा लेट है बेटा प्रियांश, मैंने प्रियांश को एक लेटर लिखा, आई राइट अ लेटर टू प्रियांश एंड आई से दैट कि भाई तुम बिस्मा का मर्डर कर दो, प्रियांश गो एंड मर्डर बिस्मा. बिस्मा जो है अपन को नहीं देखने का इधर पे, और अब बिस्मा को अपन बाय बाय बोलना चाहते हैं. सो नाउ प्रियांश रीड्स दैट लेटर और वो लेटर को फाड़ के फेंक देता है कि अरे क्या बोल रही है यार. तो क्या यहाँ पे मैं अबेटमेंट टू मर्डर के लिए लायबल हूँ? Am I going to be liable for abetment to murder, guys? Abetment to murder? हाँ वो अबेटमेंट है शिवांगी, ठीक है. सो यहाँ पे येस, अबेटमेंट टू मर्डर के लिए प्रियांश इज गोइंग टू बी लायबल बिकॉज ही वॉन्टेड, सॉरी आई एम गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर बिकॉज मैंने प्रियांश को इंस्टिगेट किया कि भाई तू जाके उसका मर्डर कर दे. सो यहाँ पे मैंने लेटर के थ्रू किया, तो अब भाई प्रियांश मर्डर करता है या नहीं करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर. बट वॉट मैटर्स इज दैट आई रोट अ लेटर टू हिम एंड ही रेड दैट लेटर. तो जब तक वो लेटर रीड नहीं कर लेता, हाँ भाई कृतिका येस आई हैव टॉट ऑल ऑफ दिस बेटा, वाई asking the same questions. So यहाँ पे जब तक वो person read नहीं कर लेता है, until and unless the other person comes to know about that, तब तक abetment commit नहीं होगा. For example भाई जैसे कि आदर्श है, ठीक है, मैं मन में सोचती रहती हूँ कि यार मैं आदर्श का मर्डर करवाना चाहती हूँ, और मैं सोचती रहती हूँ कि मैं किसी दिन स्वीकृति से को बोलूंगी कि यार आदर्श का मर्डर कर दे, मैं ऐसे सोचती रहती हूँ. मैं कभी स्वीकृति को ऐसा कुछ बोलती नहीं, ना ही कोई लेटर वेटर लिखती हूँ, तो क्या मैं अबेटमेंट के लिए और लेकिन स्वीकृति अगले दिन अपने आप से जाके आदर्श का मर्डर कर देती है, तो क्या मैं लायबल हूँ अबेटमेंट टू मर्डर के लिए? एम आई लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर? बताओ. नो, करेक्ट, आई एम नॉट लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर, है ना. मैं अबेटमेंट टू मर्डर के लिए लायबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मैं तो अपने दिमाग में सोच रही थी अब भाई मेरे सपने सच हो गए तो उसके लिए तो अब मैं खुशी मना सकती हूँ, अब और कुछ नहीं कर सकते.
ठीक है. सो देयरफॉर आई एम नॉट लायबल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एग्जांपल ये समझ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस वाला है, ठीक है, जैसे भाई आप कितने को मर्डर करवाती है, चल शिवम आज तेरा मर्डर नहीं कराते, आज हम तेरे को पुलिस ऑफिसर बनाते हैं. शिवम एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है. सो यहाँ पे शिवम इज अ पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर और उसको कोर्ट ने क्या कहते हैं परमिशन दे रखी है कि वो जाके संयम को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, ठीक है. अब अंजलि को पता है कि संयम कौन है, अंजलि नोज हु इज संयम. शिवम आके अंजलि से पूछता है कि अरे संयम कौन है भाई, बता दो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसे अरेस्ट करना है, मुझे उसे अरेस्ट करना है, कहाँ रहता है वो. तो अंजलि क्या करती है, अंजलि शिवम को बोलती है कि अरे ऋषि संयम है, ऋषि संयम, मतलब ऋषि की तरफ पॉइंट करके बोलती है वो संयम है. और शिवम क्या करता है, शिवम जाके संयम को अरेस्ट कर ले, सॉरी ऋषि को अरेस्ट कर लेता है ये सोचते हुए कि ये ही संयम है. तो यहाँ पे अंजलि ने क्या किया है गाइस, अंजलि ने कमिट किया है ऑफेंस बाय अबेटमेंट. बाय क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को अपना काम नहीं करने दिया और उसने जानबूझकर इंटेंशनली सामने वाले पर्सन को गुमराह किया कि वो किसी और को जाके पकड़ ले. सो ही इज गोइंग टू, तो अंजलि इज गोइंग टू बी लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस. सो यहाँ पे अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर है और आप उसको पागल बनाते हो, किसी पुलिस ऑफिसर को पागल बनाते हो, तो यू आर गोइंग टू बी लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑफेंस, ठीक है. तो यहाँ पे पता था अंजलि को सी इज नॉट जी, ऋषि इज नॉट संयम, लेकिन तब भी उसने बोला कि ऋषि ही संयम है क्योंकि अंजलि की होगी कुछ लड़ाई बड़ाई ऋषि के साथ. तो यहाँ पे शी इज गोइंग टू बी लाइबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, ठीक है. चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दो. एक हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो रही है, मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, भाई हस्बैंड ने वाइफ से बोल दिया तू जाके मर क्यों नहीं जाती, भाई मेरा दिमाग खाती रहती है, खुद को खा जा तू. दो दिन बाद वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया है, क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड है? इज दिस अबेटमेंट टू सुसाइड गाइस? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है प्रियम, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. मर्डर होना जरूरी नहीं है भाई. क्यों नहीं है ये? वाई नो? एब्सोल्युटली करेक्ट, नो दिस इज नॉट अबेटमेंट. वाई वाई इज दिस नॉट अबेटमेंट गाइस? एब्सोल्युटली करेक्ट, नो इंटेंशन, नो इंटेंशन, ठीक है. उसने एंगर में बोला था, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो जहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है और आप क्या कहते हैं विदाउट इंटेंशन सामने वाले को बोलते हो कि अरे तू मर वर जाना यार, मेरा दिमाग मत खाए. आपने अपने फ्रेंड को ही बोल दिया, किसी दिन आपकी फ्रेंड से लड़ाई होगी, भाई मेरे को नई बात करनी तेरे से, तू मर जा यार जाके, और वो सही में मर गया, वो बहुत ही इमोशनल टाइप का था और वो उसने सोचा कि अरे अब मेरी जिंदगी में रहने का कुछ नहीं बचा गाइस, अब चाचा बाय बाय, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अबेटमेंट के लिए थोड़ी लायबल होगे. सो यहाँ पे नॉट अबेटमेंट. चलो ये वाला क्वेश्चन आंसर कर दो. एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड के सर पे बहुत ज्यादा कर्जा है, तो वो अपनी वाइफ के पास क्या कहते हैं पॉइजन लेके आता है और बोलता है कि ये पॉइजन पी लो, अब हमारा कर्जा तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, तो तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए. और वो जो उसकी वाइफ है वो पॉइजन पी लेती है और फिर उसके बाद जैसे ही वो पीने वाला होता है पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं. तो भाई बेचारा मर भी नहीं पाया और उस पर अब केस लगाया अबेटमेंट टू सुसाइड का. तो यहाँ पे क्या इज ही रिस्पॉन्सिबल? यस करेक्ट सान्या, यस प्रियम, यस ऑफ कोर्स दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड भाई. है तो भाई नो क्यों होगा? व्हाई ऋषि, व्हाई विल इट बी नो? यस ऑफ कोर्स इट इज अबेटमेंट टू सुसाइड. बहुत इजी बीजी था ये तो भाई. तुम जाके पॉइजन की बोतल दे के आ रहे हो भाई, मतलब तुम्हारा इंटेंशन है ना ऑब्वियसली, मतलब पॉइजन पी के अपन ऐसे खुश तो नहीं हो जाते, नींद तो नहीं आती है? नींद आती है पर हमेशा के लिए ना, ये तो सबको ही पता होता है भाई पॉइजन का क्या काम होता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेंशन है, देयरफॉर देयर इज इंटेंशन. अरे उसने वाइफ को बोला कि मैं कभी अपना कर्जा नहीं उतार पाऊंगा, तो तू भी पी ले पॉइजन, मैं तो पी रहा हूँ तू भी पी ले, यू ऑल्सो ड्रिंक इट, ठीक है. सो यहाँ पे ही इज गोइंग टू बी लाइबल फॉर द फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड. चलो यहाँ पे भाई एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से अलग रह रहा है, ठीक है. देर इज अ हस्बैंड हु इज लिविंग अवे फ्रॉम हिज वाइफ. अब जो वाइफ है वो डिवोर्स विवोर्स नहीं दे रही है, वाइफ मना करेगी मेरे को नहीं देना यार, अपन सब सॉर्ट कर लेंगे वो वगैरह वगैरह. लेकिन जो हस्बैंड है, हस्बैंड के जो घर वाले हैं और हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड है और हस्बैंड के घर वाले हैं, वो हस्बैंड को रोज आके बोलते रहते हैं कि अरे तू क्या कहते हैं उसको छोड़ दे यार, उसको कुछ तो कर, उसको निकाल दे दुनिया से, उसको खत्म कर यार, वो क्यों नहीं दे रही तेरे को, तू सेकंड मैरिज कर, तू सेकंड मैरिज का सेकंड मैरिज कर, और रोज आके उसका ऐसा दिमाग खाते हैं. हस्बैंड जाके अपनी वाइफ का मर्डर कराता है, तो इज आर द फैमिली मेंबर्स लायबल? हस्बैंड ने जाके अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, आर द फैमिली मेंबर्स लायबल फॉर द इंस्टिगेशन फॉर अबेटमेंट?
इजी बिजी गाइज, यस दे आर लाइबल ऑफ कोर्स. उन्होंने इंस्टिगेट तो किया है ना भाई, दे हैव इंस्टिगेटेड कि वो नहीं दे रही थी डिवोर्स, तब भी उसके पीछे पड़े हुए थे हस्बैंड के, तो ऑब्वियसली देयरफॉर दे आर गोइंग टू बी लाइबल फॉर इंस्टिगेशन. सो इंस्टिगेशन लाइबल फॉर अबेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वे टू कमिट अबेटमेंट, अबेटमेंट दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, बाय कॉन्स्पिरेसी हो सकता है. ठीक है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. अब देयर इज एन एक्सेप्शन हियर, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में कुछ ना कुछ एक्ट होना चाहिए, सम एक्ट मस्ट हैव हैपेंड. अगर कोई भी एक्ट नहीं हुआ होगा टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइबल फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, सो कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट, दो या दो से ज्यादा लोग एक अनलॉफुल एक्ट कमिट करने का प्लान बनाते हैं, देन दे आर गोइंग टू बी लाइबल फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. जैसे फॉर एग्जांपल भाई डाउरी डेथ के केसेस, जैसे मोस्टली डाउरी डेथ केसेस में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी ही लगता है पूरे घर वालों के, इन लॉस के ऊपर. सो फॉर एग्जांपल भाई एक बहू है, ठीक है, ये है बहू. ठीक है, अब ये जो बहू है ये अपने इन लॉस के साथ रहती है, मम्मी पापा के साथ रहती है, मम्मी पापा, हस्बैंड का भाई, हस्बैंड की बहन, ये सब लोग इसी घर में रहते हैं, चाचा चाची वगैरह वगैरह, पूरा 20-25 लोग साथ में रहते हैं. ठीक है, अब सारे आके प्लान बनाते हैं, ऑल ऑफ देम कम टुगेदर कि यार ये जो बहू है ये हमें अच्छी लगती है, डाउरी वाउरी भी लेके नहीं आई है और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी है, बहुत बोलती बोलती रहती है कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, तो इसके जो मदर इन लॉ है वो आके रोज़ ताना मारती रहती है कि भाई तुमने हमारी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी. और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो बेटा है, जो भाई है हस्बैंड का, वो भी सुनाते रहता है कि अरे आप तो कोई काम ही नहीं करती, आप यूज़लेस हो वगैरह वगैरह. जब ये रसोई में काम कर रही होती है तो उसके हाथ पे क्या कहते हैं, गरम चिमटा चिपका देते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं. अब इसकी वजह से बहुत परेशान हो गए, जो बहू है गाइस, बहू ने सुसाइड कर लिया है, तो आर द फैमिली मेंबर्स लायबल फॉर अबेटमेंट? आर द फैमिली मेंबर्स लायबल फॉर अबेटमेंट? यस, ऑफ कोर्स दे आर लायबल फॉर अबेटमेंट. सो यहाँ पे वो किस चीज़ के थ्रू लायबल है? दे आर लायबल फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि यहाँ पे ये 4-5 लोगों ने मिलकर उकसाया है. 4-5 पीपल केम टुगेदर एंड दे इंस्टिगेटेड द पर्सन, सो दे आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. ठीक है सुब्रत, तुम्हारे तो काम ही वैसे है बेटा, तुम्हारा तो कुछ हम कर ही नहीं सकते ना, तुम तो इंसान ही अलग से हो. ठीक है, अ लिटिल बिट अबाउट अनअकैडमी गाइस, आप रेज हैंड कर सकते हैं, एजुकेटर से बात कर सकते हैं, लाइव क्लासेस में अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, खुद भी उसको लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं भी लाइव रिकॉर्ड सेशन देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ने की, एलएलएम ऐसे पढ़ने की, वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम की भी जा सकते हैं, टॉपर स्ट्रेटजी जान सकते हैं, लुईस फिंस जान सकते हैं, माय फैकल्टी एक्सेस सकते हैं, नेशनल मॉक टेस्ट सेक्शन टेस्ट सीरीज को, लीगल एक्स 1.01 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है 2022 वालों के लिए, इंग्लिश प्लस हिंदी 1 ईयर का कोर्स है, 8 सितंबर को शुरू है, तो आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. उसके अलावा लीगली रूटेड 2.0 2023 के लिए बिजनेस बैच है, 10 सितंबर को शुरू हुआ है, 2 ईयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें आपको मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ा रही हूँ, तो आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए. 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है सब्सक्रिप्शन खरीदने पे, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी KRITIB, कृति भी मेरा कोड है. लाइव क्विज का फीचर होता है स्टूडेंट्स के लिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्विज को. अनअकैडमी ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड किया है तो गाइस प्लीज डाउनलोड इट, आपको उस पर मेरी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, प्लस टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी. सो इन टेस्ट सीरीज, ये फ्री टेस्ट सीरीज है, आपको बस टेस्ट एंड प्रैक्टिस ऐप पे क्लिक करना है, मतलब उस पर क्लिक करना है और फिर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अलावा अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 60 मिनट्स, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का होता है, हर सैटरडे को होता है 11 AM पे. उसके अलावा वीकली T20 टेस्ट होता है, ये 20 मिनट्स का रिविजन टेस्ट होता है, 20 मिनट्स, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स का. मंडे को इंग्लिश होता है, ट्यूजडे को वन होता है, वेंसडे को लॉजिकल होता है, थर्सडे को लीगल होता है, सीएजी के फ्राइडे होता है. मेगा टेस्ट सीरीज होती है स्टैटिक जीके के ऊपर, हर संडे को होती है, ये 5 PM पे 20 मिनट्स, 30 क्वेश्चन की, ये भी फ्री टेस्ट सीरीज है, दिस विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन. स्पेशल क्लासेस फीचर्स आर फ्री क्लासेस और अनअकैडमी ऐप, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, पोल्स होते हैं लर्नर्स के लिए, आप रेज हैंड कर सकते हैं, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, कहीं से भी कहीं भी क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं. बग्स फाउंड अपॉर्चुनिटीज है लर्नर्स के लिए, रिपोर्ट कर सकते हो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है. अनअकैडमी लॉयर्स आर यूट्यूब चैनल गाइस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लगती है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके चलिए नेक्स्ट, लेट्स कम टू द क्या हो गया भाई. अच्छा अंजलि आचार्य, थैंक यू सो मच.
ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड वे टू कमिट अबेटमेंट. तो तीसरा क्या तरीका होता है? तीसरा होता है अबेटमेंट बाय एडिंग. तो अबेटमेंट बाय एडिंग का मतलब क्या है? जब भी आप सामने वाले पर्सन को हेल्प करते हो कोई क्राइम कमिट करने, यहाँ आप इंस्टिगेट नहीं कर रहे हो पर यहाँ पे आप हेल्प कर रहे हो. हाय खुशी, हाउ आर यू. सो आप अगर हेल्प कर रहे हो सामने वाले पर्सन को कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, देन यू आर गोइंग टू बी लाइबल फॉर अबेटमेंट बाय एडिंग. फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, ठीक है, ही इज अ क्रिमिनल. ये आपके घर आता है और आपको बोलता है कि यार मैंने क्राइम कर दिया है, ओ माय गॉड मैंने क्राइम कर दिया है, मैंने चोरी कर दिया है, तू मुझे अपने घर पे रखवा ले, कीप मी एट योर हाउस, मुझे अपने घर पे रख ले 2 दिन के लिए, पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि पुलिस वाले मुझे पकड़ ले, मुझे जेल में डाल देंगे, तो मुझे अपने घर पे रख ले. तो क्या यहाँ पे आपने हेल्प करी है उस पर्सन की टू फैसिलिटेट अ क्राइम? तो क्या आप अबेटमेंट बाय एडिंग के लिए लायबल होगे? है ना, यू हैव हेल्प द पर्सन. ऑब्वियसली अपने घर पे क्रिमिनल नहीं रखना चाहिए अपन को, ये तो गलत सारी चीजें होंगी थोड़ी सी, ये सब ऐसा नहीं करने का था. सो यस, यू आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय एडिंग. तो जो तीसरा तरीका होता है वो होता है आप जब हेल्प करते हो किसी भी पर्सन को टू अबेट अ टू कमिट अ पर्टिकुलर क्राइम. ठीक है, सो आप किसी को या तो डायरेक्टली असिस्ट कर रहे हो क्राइम कमिट करने में, या फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए था. जैसे आप किसी को अपने घर में रखवा रहे हो, ऑब्वियसली जो क्रिमिनल है उसको आपको अपने घर में नहीं रखवाना चाहिए था, तो यू आर गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय एडिंग. ठीक है, या फिर आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से क्राइम जो है वो आसानी से कमिट हो पा रहा है. फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो किसी को किडनैप करके लाता है और बोल देता है कि मैं इस आदमी को तेरे घर में रख दूंगी या 2 दिन के लिए, फिर मैं इसे ले जाऊंगा. तो क्या यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि हाँ रख दे भाई यार, तू तो अपना भाई है, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, तो क्या यहाँ पे आपने अबेटमेंट बाय एडिंग किया है? हैव यू कमिटेड अबेटमेंट बाय एडिंग गाइस, बताओ. यस, absolutely correct, this is going to be abetment by aiding. So there are 3 ways to commit abetment. One is going to be by instigation. एक होता है instigation के through आप commit कर सकते हो, एक होता है conspiracy के through आप commit कर सकते हो, एक होता है aiding के through आप commit कर सकते हो. By aiding you can commit the offense of abetment. ठीक है, now जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, एक senior advocate है, उसके क्या कहते हैं, उसके chamber में एक lady advocate थी, वो attend कर रही थी कुछ meeting. ठीक है, उस दिन क्या हुआ, वो अक्यूज से बात कर रही थी अपने घर पे, और वहीं पे उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और मैं अपने ऊपर केरोसिन डाल के अपने आप को आग लगा लूंगी. उसने बोला हाँ लगा ले ना लगा ले, कुछ भी नहीं बोला, और उसने अपने ऊपर केरोसिन डाला और उसने आग लगा ली. तो क्या यहाँ पे इज ही लायबल फॉर अबेटमेंट? क्या वो जो लॉयर है जो सामने खड़ा हुआ था, जो सामने खड़ी हुई थी, जिसको बोल रही थी वो कि मैं आग लगा लूंगी अगर तुमको श्री नहीं बोलोगी, तो क्या वो लॉयर लायबल है फॉर अबेटमेंट? नो, शी इज नॉट लायबल, क्योंकि भाई मियरली स्टैंडिंग देयर दैट इज नॉट अ क्राइम. ठीक है, उसने ये भी नहीं बोला कि हाँ हाँ लगा ले, मुझे तो बहुत मजा आएगा, वाओ तुम जल जाओगी, कितनी सारी रोशनी होगी कमरे में. ऑब्वियसली उसने इसे कुछ भी नहीं बोला, शी डिड नॉट इवन अटर अ सिंगल वर्ड. शी इज नॉट गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट मियरली स्टैंडिंग वेयर अ क्राइम इज बीइंग कमिटेड, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी लायबल फॉर अबेटमेंट. क्योंकि आप किसी और पर्सन के लिए लायबल नहीं हो सकते जो खुद ही अपने ऊपर केरोसिन डाल के खुद की जान ले ले. ठीक है, सो द एडवोकेट वॉज नॉट लायबल फॉर द सुसाइड कमिटेड बाय द अदर पर्सन. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक औरत आके अपने हस्बैंड से बोलती है कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी, तुम भाई तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे को तुमसे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ढिकाना. और वो लेके आती है क्या कहते हैं एक चुन्नी अपनी, और उससे पंखे से लटक जाती है, और हस्बैंड भी ऐसे ऐसे बढ़िया खड़ा हुआ है कि हाँ ठीक है, अरे भाई चल ठीक है ना, अपना नाटक बंद कर, मतलब कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा हुआ है. सो इज द हस्बैंड लायबल फॉर अबेटमेंट टू मर्डर? No, absolutely correct. Husband is not liable. ठीक है, वाइफ ने खुद ही बोला और खुद ही जवाब दे दिया, हस्बैंड तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, और फिर वाइफ चली भी गई, तो ही इज नॉट लायबल. ठीक है, अब यहाँ पे भाई एक ट्रक है, ठीक है, एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में यहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, देर इज अ 7-year-old किड यहाँ पे, और यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ है, 7 भी नहीं, 14 साल का बच्चा है, देर इज अ 14-year-old किड सिटिंग हियर. वो 14-year-old किड इस ट्रक ड्राइवर से बोलता है कि अरे मुझे चलाने दो ना, मुझे ट्रक चलाना है. तो ये ड्राइवर मान जाता है कि हाँ तू ट्रक चला ले, और जब वो 14 साल का बच्चा ट्रक चला रहा होता है तो वो जो ट्रक है उससे एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है. तो यहाँ पे इज द ट्रक ड्राइवर लायबल फॉर अबेटमेंट?
क्या ट्रक ड्राइवर अवेटमेंट के लिए लाइबल है? हाँ, हस्बैंड वो स्टैंडिंग देयर ओनली ना, ही डिडंट डू एनीथिंग. यस, वेरी गुड, इजी बिजी गाइस, सबको पता है इसका आंसर. यस, द ट्रक ड्राइवर इज गोइंग टू बी लाइबल, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता था कि भाई 14 साल के बच्चे को ट्रक नहीं देना है. इट इज नॉट करेक्ट, एक पर्टिकुलर एज ही होती है जब आप ड्राइविंग करने दे सकते हो. ऑब्वियसली अगर आप उसे चलाने दे रहे हो तो यू आर फैसिलिटेटिंग अ क्राइम, आप एक क्राइम का फैसिलिटेट कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू बी लाइबल फॉर दैट पर्सनस डेथ. ठीक है, सो अबेटमेंट, फॉर अबेटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. ठीक है, नाउ यहाँ से हम शाम को 9:30 करते हैं. फ्रॉम अबेटर लेट्स स्टार्ट एट 9:30 PM. वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट 9:30 PM. क्वेश्चंस भी करेंगे 9:30 वाली क्लास में. सो द क्लास विल बी कंटिन्यूड एट 9:30. आई एम गोइंग टू एंड द क्लास हियर. इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी है, वी हैव टू डू दैट. हाय मीमांसा, क्लास एंड हो रही है बेटा, थोड़ा लेट ही आ गई तू. सो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कर दीजिएगा क्लास को, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. नेक्स्ट क्लास इज अ प्लस क्लास विच इज एट 8 PM. 8 PM पे हमारी प्लस क्लास होगी एंड देन 9:30 वी हैव आर यूट्यूब क्लास. सो मेक श्योर यू आर देयर इन द क्लास. आई विल सी यू इन द क्लास गाइस. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. बाय, गुड आफ्टरनून. ओह बाय बाय, थैंक यू. 9:30 मिलते हैं. वील डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड वील कंप्लीट दिस टॉपिक. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर. आप सब, बहुत सारे लोग लेट आए. क्लास खत्म हो रही है बेटा, मैं जा रही हूँ. बाय, थैंक यू, टाटा.